Hello everyone. In the previous video, we have learnt the definition of metals, non-metals and metalloids and the physical properties. In this video, we will see the chemical properties of metals and non-metals, what is displacement reaction and usage of metals and non-metals. तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सबसे पहले हम मेटल्स को देखते हैं. इसमें हम मुख्य रूप से इन चार चीजों के बारे में देखेंगे. कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है. तो जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करते हैं तो वो उस मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं. जो भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा उसी मेटल का ऑक्साइड बनाएगा. जैसे मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड. सोडियम एक मेटल है, वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड. कॉपर अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड. तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो उस मेटल का ऑक्साइड बनाता है. सेकेंड वाटर. कोई भी मेटल वाटर से जब रिएक्शन करता है तो उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है. उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है. जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम एक मेटल है, जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा यानी पानी से तो मेटल का हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है. उसी तरह से कॉपर अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है. तो याद रखने वाली बात क्या है कि मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. एसिड्स. मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है. तो मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. एग्जांपल के लिए सोडियम मेटल अगर ये एसिड से रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड, इसे हम सॉल्ट भी बोलते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है. इसके बाद आता है बेस. मेटल्स जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा. इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो इसके विषय में आप सीखेंगे. अभी आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है. वाटर के साथ अगर रिएक्शन करता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है. अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है मेटल तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है. अगर मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है तो भी सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है. इसके बाद आता है नॉन मेटल्स. जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो क्या होता है. नॉन मेटल्स. नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटल्स का ऑक्साइड बनाता है. नॉन मेटल का ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा यानी नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा. नॉन मेटल वाटर से अगर रिएक्शन करता है तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है. वाटर के साथ नो रिएक्शन. एसिड के साथ नो रिएक्शन. बेस के साथ जो रिएक्शन होगा वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, काफी जटिल होता है. इसको भी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे. अभी आप इसको मान के चलिए नो रिएक्शन. जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको बेस का मेटल के साथ रिएक्शन और बेस का नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन आपको डिटेल में बताया जाएगा. तो अभी ये जो जानने वाली बात है केमिकल प्रॉपर्टी में, उसमें मुख्य रूप से दो चीजें कि जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड, वाटर से रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड, एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस, और मेटल अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. जब हम नॉन मेटल के केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है. जिस तरह से मेटल रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता था उसी तरह से नॉन मेटल रिएक्शन करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है. इसके बाद नॉन मेटल किसी से रिएक्शन नहीं करता, ना तो पानी से, ना ही एसिड से और ना ही बेस से. अब इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चलिए इसको देखते हैं. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया. विस्थापन का मतलब होता है किसी एक चीज को वहां से हटा के
बाहर कर देना और उसकी जगह स्वयं आकर जुड़ जाना, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका एग्जांपल देखेंगे। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो शब्दों पर ध्यान देने वाली बात है, एक है मोर रिएक्टिव और दूसरा है लेस रिएक्टिव। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal from its salt solution is called displacement reaction। देखिए जो metal ज्यादा reactive होता है वो अपने से कम reactive metal को displace कर देता है, यानी वो जिसके साथ है वहां से उसको हटा के और उसकी जगह पे अपने स्वयं जाकर जुड़ जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोग थोड़े कमजोर होते हैं उनको दबा दिया जाता है या जो स्ट्रांग लोग होते हैं उनको वहां से हटा देते हैं, तो वही चीज यहाँ पे है। अभी देखिए आपके सामने एक ये डिस्प्लेसमेंट सीरीज दिखाई जा रही है, एक्टिविटी सीरीज, जिसमें कौन से मेटल्स ज्यादा एक्टिव हैं कौन से कम एक्टिव हैं ये आपके सामने है। इस लिस्ट में आप देखें तो इसमें जो आयरन है वो इस लिस्ट में ऊपर है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में। तो आयरन क्या करता है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जब ये रिएक्शन करता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये इस कॉपर को क्या करता है, अलग कर देता है इस सॉल्यूशन से और अपने खुद आके इस सल्फेट के पास जुड़ जाता है। तो ये आयरन सल्फेट बना दिया और इसने कॉपर को क्या कर दिया, यहां से बाहर कर दिया। एक बार फिर से समझिए, आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये आयरन ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए ये आयरन इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से इस कॉपर को यहां से वो निकाल देता है, इसको हटा देता है और खुद आके यहां पे जुड़ जाता है। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये हमारा रिजल्ट बनेगा और ये कॉपर क्या होगा, बाहर हो जाएगा। इसी का उल्टा, इसी का उल्टा अगर हम Cu प्लस FeSO4 करते तो क्या होता, अगर हम आयरन सल्फेट में कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये कॉपर यहां पर रिएक्शन करने के लिए जाएगा तो ये कॉपर इस आयरन को हटा ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये इस आयरन से कमजोर है, इसलिए इस आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से वो इस आयरन को नहीं हटा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूज क्या क्या होते हैं। यूजेज ऑफ मेटल्स, मेटल्स में आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, इनमें से अगर हम एक एक करके इनको देखें तो आप इस पूरे यूज को एक साथ देख सकते हैं। जैसे आयरन का इस्तेमाल, अब लोहे का इस्तेमाल कहाँ होता है, बड़े बड़े ब्रिज को बनाने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कारखाने बनाने के लिए लोहे के छड़ बनाए जाते हैं, लोहे के सीट बनाए जाते हैं, जो जितने भी इंजन पार्ट्स होते हैं, जितने भी मैकेनिकल काम होते हैं उन सब में लोहे के बिना हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी कल कारखाना हो, ट्रेन हो, बस हो, एरोप्लेन हो, उन सब में हमको लोहे की आवश्यकता होती है। उसी तरह से गोल्ड और सिल्वर का ज्यादा यूज कहाँ होता है, ज्वेलरी बनाने के लिए, या किसी एक मेटल का कोई ज्वेलरी है तो उसके ऊपर जो उसके का जो पानी लोग चढ़ाते हैं जिसको कोटिंग करना बोलते हैं, कि एक मेटल के ऊपर आपने सुना होगा कि ये नकली है लेकिन इस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है, तो इस तरह के काम ज्वेलरी से संबंधित जो भी काम होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर से करते हैं। इसके बाद से एल्युमिनियम और कॉपर, ये सब मेटल्स हैं, तो एल्युमिनियम और कॉपर का क्या इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स बनाने के लिए, घरों में जितने भी तार प्रयुक्त होते हैं जो आपने पोल पे तार देखे होंगे वो सब एल्युमिनियम के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, जो हमारे घरेलू बर्तन है, किचन में आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे सामान, बहुत सारे ऐसे बर्तन है जो आपको एल्युमिनियम के और तांबे के बर्तन आपको दिखाई देंगे जिसमें आप खाना बनाते भी हैं और खाते भी हैं। तो इस तरह से इस मेटल का हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज है। इसके बाद हम देखते हैं यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, जैसे कि मैंने बताया था जो नॉन मेटल्स है वो ज्यादातर गैसेस होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो उनमें से कार्बन। अब कार्बन का क्या इस्तेमाल है, ये जो हीरे का जो प्योर फॉर्म होता है वो कार्बन होता है, तो इस डायमंड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, शीशे वगैरह की जो कटिंग करने के लिए जो वो दुकानदार इस्तेमाल करते हैं शीशे को काटने के लिए, उसमें जो डायमंड्स लगे होते हैं वो कटर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इस डायमंड का इस्तेमाल ज्वेलरी के लिए भी किया जाता है। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का तो हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल है, सबसे पहले तो रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं तो कुछ भी नहीं। इसके अलावा ये बर्निंग में सहायता करता है,
कोई भी चीज जलती तभी है जब ऑक्सीजन हो, बिना ऑक्सीजन की के प्रेजेंस में कोई भी चीज जल नहीं सकती है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इस्तेमाल कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग इन अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स, जो आपको पहले लेसन में बताया गया था कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, तो वहां बताया गया था फर्टिलाइजर्स क्या होता है, जो कारखानों में बनाए जाते हैं, तो फर्टिलाइजर्स जो भी बनते हैं उर्वरक, ये नाइट्रोजन के वजह से बनते हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप आप ये चैप्टर समझ गए होंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालाइड्स के डेफिनेशन, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके यूजेज हमने पढ़ा। इस पढ़ाई के आधार पर इसके जो भी एक्सरसाइज वगैरह है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप ये चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।